नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनी देशी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कानून को अब काफी वक्त हो गया है और इसलिए अब सरकार के फैसले को देखते हुए कई धाराओं में बदलाव किए गए हैं। देश में आज से ही 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ITC, CRPC और एविडेंट एक्ट की जगह ले ली है और आज से ही नए कानून के तहत सारे नए मामले दर्ज किए जाएंगे, धाराएं भी बदल दी जाएंगी। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं, पहले ITC में 511 धाराएं थी। BNS में 20 नए आपराधिक मामले किए गए हैं और 33 आपराधिक की अवधि बढ़ाई गई है। जानकारी के मुताबिक तीसरी अपराधियों में जुर्म की राशि बढ़ा दी गई है, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा और प्रावधान किया गया है। अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या फिर हटा दी गई है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और बिल्कुल इसी तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं, CRPC में 484 धाराएं थी, BNSS में कुल 177 प्रावधान बदले गए और इसमें से 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपप्रावधाएं भी जोड़ी गई हैं और 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है और कुल मिलाकर 14 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर बात करें तो उसमें कुल 170 धाराएं हैं, कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं, 6 प्रावधान निरस्त भी कर दिए गए हैं। हमारे देश में मॉब लिंचिंग के कई ऐसे मामले सामने आए थे लेकिन पहले ITC में मॉब लिंचिंग का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा सुनाई गई है और अब इसे BNS की धारा 103(2) में परिभाषित किया गया है। देश में नए प्रावधान बनने की वजह से कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं लेकिन ये प्रावधान कितने हद तक सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। और फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित। नमस्कार। जनहितेशी, TRP नहीं भरोसा आपका।